Hi, and welcome to lesson number 2 of section number 11. Basically, ये जो lesson number 2 है, ये lesson number 1 से काफ़ी ज़्यादा integrated है. जैसे कि मैंने आपको planning की activities के बारे में बता रहा हूँ और बार बार मैं repeat कर रहा हूँ, दोबारा भी फिर repeat करूँगा कि हम जब planning करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जी हमारे project की type क्या है, उसकी complexity क्या है, उसकी basis पर हम जो है basically उसकी project life cycle को develop करते हैं कि जी हमने इस project plan को कैसे execute करना है या इस project को कैसे plan करना है हमने, और फिर जाहिर से executor control करना है. फिर हम ये देखते हैं कि जी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस क्या हैं, कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, या जनरली जब पीएमआई कहता है हाउ वी विल मैनेज एंड मॉनिटर द होल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. फिर हम ये कहते हैं कि जी हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, फिर हम उस रिक्वायरमेंट्स को कन्वर्ट करेंगे स्कोप में, फिर उस स्कोप को ट्रांसपोज करेंगे हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, फिर उस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के वर्क पैकेजेस को हम डिकम्पोज करेंगे इनटू एक्टिविटीज़, और फिर हम उन एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस में करेंगे, और फिर हम सीक्वेंस करने के बाद ये काम करेंगे कि हम उसके ऊपर जो है वो रिसोर्सेज को एस्टिमेट करेंगे. हमने लेसन नंबर 1 में बात की थी एस्टिमेट रिसोर्सेज के हवाले से, जहाँ पर हमने बेसिकली आपको ये बताया था कि हम टाइप एंड क्वान्टिटी को आइडेंटिफाई करोगे, और यहाँ पर बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो हम प्लान ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो कि बेसिकली हमारा प्रोसेस नंबर 9.1 है हमारे पास. हम इंटरेस्टिंगली इस चैप्टर में हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, जिनमें से 1 प्लानिंग में है और 3 जो है हमारे पास वो एग्जीक्यूशन में है. तो जो पीएमआई ने इस प्रोसेस की डेफिनेशन हमें डिफाइन की हुई कि हम आइडेंटिफाई करें और डॉक्यूमेंट करें कि प्रोजेक्ट में रोल्स क्या हैं, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमें कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आपस में उन प्रोजेक्ट की जो रिसोर्सेज हैं उनका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होगा, और हम एक प्रोसेस बनाएं कि हम इस प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे. जैसे कि मैंने आपको जब हम बात कर रहे थे प्लानिंग के हवाले से, तो मैंने आपको बताया था कि जनाब हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं. एक कहलाते हैं प्योर बेसलाइंस डॉक्यूमेंट, जैसे कि स्कोप बेसलाइन, स्केड्यूल बेसलाइन एंड कॉस्ट बेसलाइन, और फिर थे प्योर प्रोजेक्ट प्रोसेस डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट प्लान. लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो मैंने कहा था कि आपसे कि ये ड्यूअल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान. ये जो हम इस प्रोसेस में पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान. एंड व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ ड्यूअल डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट कंटेन्स 2 सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन. 1 कि जनाब इस प्रोजेक्ट में लोग कौन होंगे, आपस में उनका रोल क्या होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यू नो नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने होंगे, और साथ साथ ये भी होगा कि हम उनको कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे उनको यू नो उनसे काम करवाएंगे, कैसे उनको रिवॉर्ड करेंगे, कैसे हम उनको रिलीज करेंगे. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान कंटेन्स 2 सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, 1 प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सेकेंड इज प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, जो कि इसका एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान का. जब हम बात कर रहे होते हैं अपने इस प्रोसेस की, तो हमारे पास मेनली जो मैं आई वुड से कि कहूँगा कि जो इनपुट्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, कि हमारे एक्टिविटी के रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. हम थोड़ी देर पहले ही हमने लेसन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि जी हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज को बताएंगे, तो जो वही उसका जो आउटपुट है बेसिकली एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट विल बिकम अ वाइटल इनपुट ऑफ दिस. जो इनपुट्स हैं, नंबर 1 इनपुट है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड पोजिशन डिस्क्रिप्शन, ऑल दो उसकी फर्दर हमारे पास 3 से 4 जो है वो डिस्क्रिप्शन है, लाइक हायरार्किकल डिस्क्रिप्शन है या यू नो और मैट्रिक्स डिस्क्रिप्शन है. लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यार जितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल को आइडेंटिफाई करना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को डेवलप करना. आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डेवलप करें, व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो डेवलप करें. अक्सर लोग करते क्या है कि जब प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं तो उसमें बंदों के नाम लिख देते हैं. मैं जनरली कहता हूँ कि यार बंदों के नाम नहीं लिखें, आप जो है वो प्रोजेक्ट के रोल्स लिखें और फिर बाद में आप उसके नाम जो है वो लिखें. देन एक और हरकत हम भी करते हैं कि जब भी हम प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर से शुरू करते हैं. मैं कहता हूँ यार जब भी आप प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएं तो प्रोजेक्ट मैनेजर से शुरू ना करें, उसको शुरू करें प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर से, कि जनाब प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर कौन है, प्रोजेक्ट का मैनेजर कौन है, और फिर आप उसके अंदर जो भी उसके टीम लीड्स या चीज़ें कर रहे हैं. अगर आप प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर रहे हैं तो आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के नाम लिख रहे होते हैं टीम लीड्स के, तो आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के नाम ना लिखें बल्कि आप उस डिपार्टमेंट के टीम लीड के रोल को डिफाइन करें. जैसे आप कहते हैं कि जी मैं प्रोजेक्ट में मार्केटिंग कर रही है, तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट लिखें बल्कि मार्केटिंग टीम लीड लिख दें या मार्केटिंग मैनेजर लिख दें या मार्केटिंग यू नो जो भी सीनियर मैनेजर लिखते हैं, और उसके नीचे फिर आप उसकी टीम्स या नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो आपको चाहिए वो आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो जो हमारे पास यहाँ इनपुट है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड पोजिशन डिस्क्रिप्शन, इसमें 2 बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कि आप प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएं ताकि आपको ओवरऑल
रिलेशनशिप्स का पता चले। दूसरा एन इम्पॉर्टेंट वन इज़ कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें टीम्स आपको डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर रही हैं और आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ काम करना है, तो आप खुदा के वास्ते, मैं दुआ करूँ खुदा के वास्ते, उसको एक्टिविटी असाइन ना करें बल्कि आप उसको वर्क पैकेज असाइन करें। अक्सर क्या होता है, हम नए नए प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, हम कहते हैं जी मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं उस प्रोजेक्ट को काम करूँगा, या मैंने PMI का PMP पढ़ा तो मैं बताऊँगा क्या करेंगे आप। नहीं, आपने करना क्या है कि आपने टीम्स के साथ बैठकर कंसेंसस से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स बनाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स आपको सबसे ज़्यादा पावर कर देगा जब आप उसके अंदर जो वर्क पैकेजेस हैं वो किसी को असाइन करते हैं। आप कहिए जनाब ये वर्क पैकेज है, ये डिलीवरेबल है, ये आपने प्रोड्यूस करना है, हम साथ बैठ के एग्री कर लेंगे अगले, जैसे कि हम बात करते हैं इसी के लेसन नंबर 3 और 4 में, जहाँ पर हम ड्यूरेशन और कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे, स्पेशली ड्यूरेशन एस्टिमेशन करेंगे, तो हम ये सेट कर लेंगे जनाब ये टास्क, ये डिलीवरेबल कितने टाइम में होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि जनाब आप इस टास्क को 3 एक्टिविटीज़ में करें, 4 एक्टिविटीज़ में करें, 12 में करें। आई वॉन्ट कि जनाब आप ये डिलीवरेबल मुझे कंप्लीट करके इस टाइम पीरियड तक जो है वो डिलीवर कर दें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, एक कंपनी में मैंने उनको बताया कि जी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स बनाएं, तो कुछ दिनों के बाद कहने लगे सर साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स आसानी तो हो गई है लेकिन लोग बाय इन नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भाई आप कैसे बना रहे हैं, तो पता चला कि वो अपने कमरे में बैठ के बना रहे हैं। मैंने कहा खुदा के वास्ते ये भी ना करें, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लोगों को डिलीवरेबल असाइन करें, तो आप एक काम करें कि एक मीटिंग बुलाएं और उस मीटिंग में बैठ के आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स को डेवलप करें और फिर वो आप सब में जो है वो आपस में शेयर कर लें। तो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमने यहाँ देखने हैं। नंबर 1 एस्पेक्ट जो है वो हमारा ये है कि हम प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को डेवलप करें ताकि हम प्रोजेक्ट को कैसे मॉनिटर करेंगे, कौन किसको रिपोर्ट कराएगा वो डिफाइन कर लें। और इसमें जो टिप मैंने दी है वो 2 टिप्स दी हैं, एक तो ये कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को यूटिलाइज करें, दूसरा ये कि शुरू में आप प्रोजेक्ट के लोगों का नाम मत डालें बल्कि प्रोजेक्ट के रोल्स का नाम डालें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर कोई जूनियर रिसोर्स जो है वो किसी सीनियर के साथ काम कर रही होती है और सीनियर ने जूनियर को रिपोर्ट करना होता है, तो वो बड़ा ईगोइस्टिक हो जाता है और लोग उसको जो है ज़रा वो नेगेटिव भी ले रहे होते हैं। तो हमने प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट टूल वो है जनाब नेटवर्किंग। मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर नेटवर्किंग स्किल्स नहीं है ना, तो कम्युनिकेशन की तो हम बात करते हैं कि जी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी है, कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन स्किल्स। मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन के साथ साथ जो है, चाहे आप उसको कम्युनिकेशन अंडर में डालें या नेटवर्किंग स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर आपने प्रोजेक्ट को करना होता है विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और वो आपको डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर रहे होते, जैसे कि अक्सर वो हम कहते हैं ना कि हाउ यू लीड द प्रोजेक्ट, हाउ यू इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट, या हाउ टू डू द प्रोजेक्ट आउटसाइड योर अक्रॉस आउटसाइड एंड अक्रॉस द बाउंड्री लाइंस। तो उस चक्कर में आपको जो है वो जो स्किल यू नीड इज नेटवर्किंग, कि आप कितने दूसरे लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों के साथ चाय पीते हैं। यू नो अक्सर लोगों से बात करता हूँ, जैसे हमारे बचपन से हमें एक प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हम अगर मैं फर्स्ट क्लास से लेकर मैट्रिक क्लास तक जो है वो एक ही स्कूल में हूँ, तो मैं जिस बच्चे के साथ बैठा था मैं फर्स्ट क्लास में, मैट्रिक क्लास में उसी के साथ बाहर निकला था। हम लोग मिंगल नहीं होते। अक्सर मैं ऑफिस में जाता हूँ तो जब भी मेरी क्लास होती है तो 4-5 डिपार्टमेंट के लोग आए हैं तो सारे एक ही डिपार्टमेंट के लोग एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ यार कभी आप अपने दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ ही बैठे हैं, उनके साथ भी चाय वाय पिए, खाना वाना खाएंगे, नो यू शुड गो एंड नेटवर्क विच अदर। क्योंकि मैं ज़बरदस्ती जो है अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जी day 1 पे आप अपनी टेबल चेंज करें और अपने पार्टनर को चेंज करें ताकि यू नो यू स्टार्ट लर्निंग विच अदर। एक दफा तो ऐसा हुआ कि हमने एक कोर्स कराया मल्टीपल, आई थिंक 8 डिपार्टमेंट्स के 22 लोग आए थे, तो बहुत सारे लोग तो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के नाम भी नहीं जानते थे। वो कहने लगे जी हम 5 साल से 7 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं बट वी नेवर मेट ईच अदर। मैं कहा भाई, और मजे की बात यह है कि वो 5-6 साल से काम कर रहे हैं, दे डोंट नो ईच अदर, या एटलीस्ट दे हैव सीन देम ईच अदर, लेकिन दे यूज टू इन्वॉल्व सम हाउ इन वन प्रोजेक्ट। And then how can you manage it if you don't know each other? You know, if you don't know कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है या क्या रोल प्ले कर रहा है, आपने जनाब बस कहा कि जी एक्टिविटी को परफॉर्म करना शुरू करते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने देखा है लोगों को कि जब लोग काम कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं क्या है कि जी हमने प्रॉब्लम में पढ़ ली है, मैं हर डिलीवरेबल की हर एक्टिविटी को डिटेल में लेके जाऊँगा। आप फिर दूसरे डिपार्टमेंट में कहते हैं भाई आप ये एक्टिविटी कब करके देंगे, अच्छा ये कब होगा, अच्छा इसका क्या इनपुट होगा, फिर वो इरिटेट हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स को यूज़ करें और नेटवर्किंग को अपनी जो है वो स्किल को मजबूत करें। फिर हम यहाँ पर जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट टूल है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज के हवाले से, जो कि मैंने आपको एक पूरी शीट दी है जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज जो है वो लिस्ट हुए, जैसे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, मैकलन थ्योरी ऑफ अचीवमेंट है, थ्योरी मैकग्रेगर थ्योरी है, एक्स और वाई थ्योरीज हैं, तो ये सब आप फर्दर देख लीजिएगा यहाँ पे। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस यू नो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इन डिटेल। सो मैंने जो आपको एक PDF अटैच किया है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज के नाम से, सो वो आपके लिए जो है वो यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर हम ये कहते हैं कि जनाब हमने जो आउटपुट लेना है वो लेना है
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान। एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान इज अ ड्यूअल डॉक्यूमेंट, इट कंटेन्स कि जना हमारे प्रोजेक्ट में क्या रोल्स होंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कौन लोग काम करेंगे, कितने लोग काम करेंगे, और साथ साथ वो स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान को भी जो है वो कंटेन कर रहा होता है कि जी हमारे प्रोजेक्ट का स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान क्या होगा। आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसको पी एम बॉक्स है, स्पेशली पेज नंबर 264 में ये डिफाइन हुआ है, आप उसको रीड कर लें। देन देखिए इसका एक और एक्सपेक्ट है, वो है रिसोर्स हिस्टोग्राम। मेरे ख्याल से मैंने जो 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स मैनेज किए हैं बिलियंस ऑफ रुपीज़ के, उसमें जो मेरा सबसे कहते हैं स्पेसिफिक टूल था जिसे मैंने मैनेज किया वो था मेरा रिसोर्स हिस्टोग्राम। मुझे पता था कि जनाब किस टाइम पीरियड पर कौन सी और कितनी टाइप की रिसोर्स चाहिए। लेट्स सपोज अगर 6 महीने का प्रोजेक्ट है तो मुझे पहले महीने में 2 मैनेजर चाहिए, 2 बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, 3 डेवलपर चाहिए, दूसरे महीने में मुझे यू नो 1 प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, 4 बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, 1 डेवलपर चाहिए, और इस तरह से मैं डिफाइन करता हूँ। बल्कि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस भी हुआ कि हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर ने हमारी कंपनी को एक बिल बना के भेज दिया कि जी आपकी ये प्रोडक्ट करने के लिए हम $1.2 million चार्ज करेंगे। कंपनी के जो मेरे बॉस थे कंट्री डायरेक्टर, ही केम टू मी कहेंगे यार उन्होंने ये पूरा $1.2 million कहा है कि व्हाट शुड वी डू, मतलब हाउ डू वी निगोशिएट विद देम। तो मैं कहा सर आप एक काम करें, आप उनसे बोले अपने रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो रिसोर्स शीट है वो मुझे भेज दें। तो उन्होंने वो मेरे फॉर्मेट में मुझे भेज दिया, मैंने उसमें कुछ नहीं किया था, मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई, एक तरफ मैंने एक कॉलम में रिसोर्सेज के नाम लिखे और दूसरी तरफ मैंने उसके जो है बेसिकली वो एक्स एक्सेस पर मैंने लिख दिया जना प्रोजेक्ट का फेज लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यू नो एज एस 3-4 जो फेज थे वो डिफाइन कर दिए। मैंने कहा जी आप इसको पूरा पूरा डेवलप कर दें। जब उन्होंने सारा मैप करके भेजा तो मैंने कहा जी हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग में डेवलपर की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एक्सपर्ट जजमेंट की बेसिस पर और जो पहले उन्होंने काम किया था उसको डाटा को देखते हुए मैंने जब उसको एस्टिमेट किया तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने 26 रिसोर्सेज से लगाई थी और उन्होंने क्या किया 26 रिसोर्सेज को डे वन से लेकर डे एंड तक लेकर सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने उन 26 रिसोर्सेज को आगे पीछे कैलकुलेट किया और मैंने कहा जी डे फर्स्ट करें डे वन में या फर्स्ट मंथ में आई डोंट नीड 26 रिसोर्सेज, आई नीड प्रॉब्ली 10 रिसोर्सेज। तो मैंने इसी तरह उसकी ग्राफ को 10, 15, 12, 26 एट द पीक एंड देन यू नो 15 एंड देन यू नो एडजस्ट करते हुए मैंने उसको सेट किया। तो आपको हैरत होगी कि जो मैंने जो री बेस लाइनिंग की है, जो री कॉस्टिंग की, तो वो निकल कर आई कोई 0.6 मिलियन या 0.7 मिलियन। खैर मैनेजमेंट ने वो मुझसे लिया और फिर दे वेंट टू माई सब कॉन्ट्रैक्टर और उससे उन्होंने बात की एंड इवेंचुअली सब कॉन्ट्रैक्टर इज एग्रीड ऑन 0.7 बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट। तो रिसोर्स हिस्टोग्राम इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव टूल और उससे आपको पता चलता है कि आप कैसे जो है वो अपने इस प्रोजेक्ट को या अपने जो है वो रिसोर्सेज को जो है वो ट्रैक कर रहे होंगे। सो इन दिस प्रोसेस प्लान ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने आपको ये बताया कि हम मेनली कर क्या रहे हैं, हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में लोगों के रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कौन सी स्किल्स हमें चाहिए, कौन किसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा होगा, और एक्चुअली हम अपने जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान को और स्टाफ मैनेजमेंट प्लान को जो है वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। और जो हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस ह्यूमन रिसोर्स की बेसिस पर हम फर्दर जाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि जी लेसन नंबर 3 में कि हम अपने ड्यूरेशन को कैसे एस्टिमेट करते हैं और अपने कॉस्ट को जो है वो कैसे एस्टिमेट करते हैं। फॉर ड्यूरेशन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन वॉच ओवर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।